चंदन भैया कहाँ है? चंदन भैया आ जाइए मंच पे, वो संगे रहे पांच बाना जी आए गो भजन बाद हमने के बीच में माई बहन बात जोन भी जो गाना हुई शालीनता पूर्वक और पारंपरिक और हमने के गार्जियन अजय भैया भाट पराने 340 विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बानी आप सबसे निवेदन कर अपनी होरा कर कि अपना बेटा के लड़का के ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करके सपोर्ट करके आपकी जिताई और भाट परानी में अगर केहू विकास कर सकता हमने के बड़े भैया जी भी अगले साहब के जो भी आकाती को जोरदार ताली बजाई एक हमारा गाना याद आ गया कि यह होली में मूड बना के हर निकल पुजे बहरी कि यह होली में मूड बना के हर निकल पुजे बहरी बहुजन पार्टी के झंडा पूरा दुनिया में लहरी एक बार ताली के साथ आई उग्रवाद गायब हम भक्ति रेडी वन टू वन टू थ्री ऐसे होई ऐसे ना ना होई हम मौसी वोट देवे कौन हूँ केकरा के हाँ ठीक है हाँ एक लिए हाथ उठे कि जैसन सोचले रानी आजे भैया मौज बड़े हरे नेता में भी जोड़ बड़े हो एक लिए हाथ उठे दोनों 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 देखे कोताही मत करे लो तानी मनी हाथ ना पूरा इधर से भी काम मौसा एलर्जी नहीं खन हो कहेंगा अब ताली के साथ कि ये है होली में हर मूड बना के हर निकल बुझे बहुत तो बहुजन समाज पार्टी के झंडा पूरा दुनिया में लहरी ये होली इतने ना आज भैया बड़े चाचा भाट पर किसान हो ये बढ़ाई है चाचा गरीबवन के मान हो एक हमारे भाई आए अंगद भाई तो मैंने निवेदन करवा के आप एक मिनट के लिए मंच पे आ जाइए इन्होंने मुझे कल एक मैसेज किया कि भैया आप अजय भैया के लिए आ रहे हैं क्या अंगद यादव जी भाटपार से हैं तो मैंने बोला हाँ भैया मैं आ रहा हूँ तो बोल रहे थे क्या कि भैया जानते हैं ऐसा नेता है अजय भैया जमीनी स्तर के नेता हैं इनके जैसा नेता मतलब भाटपार में कोई नहीं है मैंने पूछा भाई क्या खास बात है कुछ बताइए क्योंकि अजय भैया से मैं जुड़ा हूँ लेकिन व्यक्तिगत मेरा जुड़ाव नहीं है हमेशा बातचीत नहीं होता है जबकि चुनाव लड़े थे भैया मुझे पता है मैं भी चुनाव लड़ा था बीच में लेकिन उसको कुछ कारण है तो उस टाइम
इन्होंने बताया रात में मुझे 10-11 बजे मैसेज आया था भैया का कि भैया अगर गरीब लड़की की शादी जब होती है ना किसी भी भाई बहन के यहाँ अगर एक बार कॉल चला जाए तो वहां जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं। अच्छा रोड शो का काफिला भाट पर क्रॉस कर गया है तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि निशा जी को मैं बुलाऊंगा। आप तो हमारा रोज सुनता नहीं कब बुलाए घर परिवार की लड़के बनी हमेशा हम आ जाए लेकिन हमने के निशा जी के भी सुन ली तब मैं पता चलो भैया की अगर गरीब लड़की के अगर शादी में होकर जानी तो कम से कम 21,000 रुपया वहाँ के योगदान करके अभी नहीं तो हम चाहे की अजय भैया का देखो जोरदार ताली हो जाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हम युवा किसी दल का दलदल नहीं बनना चाहते हैं। हमारे भाटपार क्षेत्र में जितने हमारे युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं किसी भी दल का दलदल नहीं बनना है हमें। अजय भैया का 3 मार्च को हाथी वाले सामने का बटन दबा कर इनको विधायक बनाएंगे और एक युवा वो खड़े हुए हैं हम लोग के लिए उनसे अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता है। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो अंगद यादव भैया के लिए। एक चीज में बता दूं इनके इनके बारे में अंगद भाई एक ऐसे कार्यकर्ता है ऐसे मतलब कार्यकर्ता है कि किसी पार्टी को छोड़ते नहीं है। जितना आप लोगों ने गड्ढा देखा होगा सबसे पहले इनका पोस्ट आता है कि फलाना जगह का विधायक जी निवेदन है कि आपके यहाँ पे गड्ढा इतना क्यों है। सही बात बात कुछ दिन पहले हम जब आए ना इतना इतना मिली भैया यूपी में अभी स्थिति वही टाइप के बना जी बनल बा। अच्छा माटी गिरल बा अच्छा लोग माने अपडेट भइला के बाद तो सोशल मीडिया एक ऐसा आजकल के दौर में अपडेट हो गया है कि सोशल मीडिया से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर अच्छा नेता चुनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा अजय भैया को लाइए और भाट पारानी का विकास कराइए। अजय भैया बाढ़े चाचा गरीब भवन के सान हो ये बढ़ाई है चाचा भाट पर के मान हो ये बढ़ाई है चाचा भाट पर के मान हो भाई सागर फिल्म भाई ने उजाला इंटरटेनमेंट ब्रिजेश भैया आशीर्वाद प्यार हमेशा मिलत रहेला और आज भी मिली। अजय भैया बाले चाची हमारी के साथ हो ई हे पढ़ाई है अपना हाथ पर के मान हो जय हो गोलू बाबू की अब की बहन जी के झंडा आ जाइए। एक कलाकार अगर सामने रहता है तो दिल खुश हो जाता है तो मैं भाई विराट जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आ जाइए। आइए आ जाइए ये आपके भाई का मंच है आइए ना ये दूसरा का मंच थोड़ी हो। बहुत ऐसा कलाकार के देखने में और चल गए एक बार हालत खराब हो जाला मंच पे चढ़ लेकिन नहीं मेरे मंच पे ऐसा नहीं होता है। अंदर भी हम बुझा था नहीं बड़ा घाम लगा था कि घाम लगता है राजा अरे घाम लगता है सारा पानी पानी हो गए कि जाके हरा में कर दे लाया होली में बड़ा धमाल होता है। एक गिलास धाम और